लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, बाटा रायन इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स मीट में आप सबका स्वागत है। नेशनल स्कूल के राइजिंग स्टार रोहित, तानिया, गणेश एंड जॉन। क्या बोला? खटारा, वो भी मेरी रानी को। एक बार नहीं, हजार बार बोलूंगा खटारा खटारा खटारा। एक बार नहीं, हजार बार। हाँ तो फिर ये ले। रानी को खटारा बोला। इसने मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा। अरे तूने कांच तोड़ा? नहीं, इसने ही तोड़ा। मैंने जब इसे पत्थर मारा तो बीच में से क्यों हटा? चलो सीधा घर चलो। हैं? अबे यार बच गया, मैं बताता हूं। सब बच्चे लोग अपने अपने घर जाओ। चलो 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 घर पे चलो सब। चल घर। कितनी बार कहना तुझे उससे दूर रहने के लिए? दूरी तो था मां, दूर था तो झगड़ा कैसे हुआ? अरे उसने दूर से बोला कि मेरी रानी खटारा है और मैं पास पहुंचा तो झगड़ा शुरू। देख 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 कैसे पटपट चलती इसकी जुबान। देख वो बड़े खतरनाक लोग हैं, समझा ना? तुझे कुछ हो गया ना तो मैं ट्रेन के नीचे आके जान देती। और तू क्यों टेंशन नहीं लेता इसकी? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? 3 साल हो गए उसे स्कूल गए हुए। हाँ। ऐसे हमारा गर्दी करता रहा ना तो एक दिन गुंडा बन जाएगा। हाँ मालूम है। मालूम है तो स्कूल भेजना उसको। फिर स्कूल? कम से कम इस फटीचर स्कूल में तो हरगिज नहीं भेज सकते। सही है। क्योंकि यहाँ ये बने ना बने लेकिन वहाँ जरूर गुंडा मवाली बन जाएगा। ए, सुन। हाँ। जहाँ तेरे वो बिल्डिंग वाले बच्चे जाते हैं। हाँ। अपना बाबू स्कूल में नहीं जा सकता है? हाँ। हाँ, जा सकता है। मैं बात करता हूँ, बिल्कुल जा सकता है। मैं स्कूल से बात करता हूँ, भाई इसको जरूर ले लो। कभी कभी तू बड़ी समझदारी की बात करता है सच्ची। कभी कभी तू कुछ समझ पाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देख बाबू, स्कूल जाना है तो अच्छे से स्कूल जाना है और अच्छी पढ़ाई करनी है, जॉन, तानिया, रोहित जैसी, एकदम इंग्लिश के बच्चों जैसी। और ये रैंकों फैंकों चक्कर मत पड़ बेटा, ये अच्छे लोग नहीं, टपोरी लोग हैं। ए रुको रे, इशाना मेरे को लगता है इधर से आएगा। चल बे। क्या टाइसन, सिगरेट पिला? कौन सी दू? अरे जिसमें से धुआं निकले। अरे धुआं तो सब में से निकलता है, नाम बोलो। सलीम भाई, सिगरेट का नाम बोलो। एक्चुअली अपन सिगरेट छोड़ दिया, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ ना। रैंको
बेटा जो चॉकलेट समझ में आए ले डाल, अपनी दुकान है। अरे गिनने तो दो। दांत तोड़ के सब तेरे हाथ में दे दूंगा, घर तक गिनते हुए जाएगा। तेरे को मालूम है किसका छोकरा वीरू भाई का? तो पूरा पूरा डिब्बा ही ले लो। चल। ए रंको बाबा, अपन का वीरू भाई को इधर इसका एड्रेस दिया था ना। ए रंको बाबा टेंशन मत ले, वीरू भाई उसको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन वीरू भाई है किधर? किधर उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? तो कुछ भी फालतू बकते रहते हैं। दू क्या तेरे को मैं? ए चकली, तेरा बाप फोटोग्राफर था क्या? क्यों? अरे सब नेगेटिव बोलता है, सब नेगेटिव बोलता है। क्या हुआ? अरे वीरू भाई आ गए, वीरू भाई आ गए, भाई आ गए। शादी क्यों नहीं कह रहे तू? शादी क्यों नहीं कह रहा? तुम्हारा भी कबूतर है यार। अरे मालूम है यार, मैं तो प्रैक्टिसिंग कर रहा था यार। अरे भाई जीनियस है यार। लेकिन वो कबूतर किधर है जो जास्ती फड़फड़ा रहा है? वो किधर है वो? अकड़ बकड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100-100 में लागा धागा, चोर निकल के भागा। 20 रुपया? 20 रुपया? इतना महंगा लूटेगा क्या हमको? बहन जी गलत मत बोलो, हम कोई चोल है क्या? हम भी मेहनत करते हैं, हम भी टमाटर खाते हैं। हाँ तो तू टमाटर खाता तो हमको क्यों महंगा देगा? बहन जी हम टमाटर नहीं खाते, हम टमाटर खाते हैं। हाय रे बहरे, वही तो कह रही हूँ, तू टमाटर खाता तो हमको क्यों लूट रहा है? बहन जी अरे मैडम, ये टमाटर खाते नहीं कमा कर खाते कह रहे हैं। यही तो कहलाऊं, हम टमाटर खाते हैं। आइला तुतला, कितना मगजमारी किया रे मेरा। चल 5 रुपए कम कर। बहन जी ये तो नुकसान हो गया ना। हाँ तो तुतला बोले था तो नुकसान तो होगा ना। चल 20 रुपए कब तक? अभी तो रिटर्न करो, कसम से कितने दिन हो गए। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? दिख नहीं रहा है, लॉटरी खरीद रहा हूँ। अरे भाई इसकी लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है इसकी। 10 साल से तो रोज खरीद रहा हूँ, अभी तक तो आदत पड़ी नहीं है। ओफ, आप नाराज क्यों होते हैं खामखा? एक बार इस चीज को खरीदोगे ना तो बस खरीदते जाओगे, खरीदते जाओगे, खरीदते जाओगे। मेरी सलाह ये है कि इससे बेहतर है कि आप किसी पढ़े लिखे इज्जतदार बेरोजगार आदमी को दान पुण्य करते। दान पेटी जी आप हैं कौन? अरे बेटा इसीलिए तो कहता हूँ ये दान दे दे बेटा। खिसक खिसक साले सफेद कपड़ों भूत। अरे बेटा ऐसे ऐसे बेरुपिये साले कैसे लोग आ जाते हैं। लो फिर से ले रहे हो लॉटरी, तुम्हें कितनी बार कैश के ऊपर पैसा बर्बाद नहीं करने का? कितनी बार मैंने तुमसे बोला है पैसे को लेके किट-किट मत किया करो, मेरी लॉटरी लगती नहीं है तो देती हूँ। मैं किट-किट करती है? अच्छा तो मैं करता हूँ। तुम्हें मालूम बाबा ने क्या बोला था? कुछ ही दिनों की बात है, अपनी किस्मत जरूर चमकेगी। वो तो कब से बोल रहे हैं, तुम्हारी किस्मत को तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जब से मेरी शादी हुई ना मेरी किस्मत फूट गई है। दिमाग की ऐसी तैसी कर देती हूँ। मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी। देखो तुम ये तू यही रुक, यही रुक, यही रुक, कोई नई कहानी बनानी पड़ी, तू यही रुक, मैं बच्चों को लेके आता हूँ। अभी मैं क्या करूं, मैं खुद ही बहुत परेशान हूं। सड़कें कम, बोर्ड ज्यादा, रिक्शा कम, पुलिस वाले ज्यादा। लेफ्ट जाता हूं तो राइट निकलता हूं, राइट जाता हूं तो लेफ्ट निकलता हूं, और सीधा जाता हूं तो रास्ता ब्लॉक। अभी जहां पे सड़कें होनी चाहिए वहां पर गड्ढे होते हैं, और जहां पर लाइट साइन बोर्ड होना चाहिए वहां पर बैनर पोस्टर होते हैं। अब बताइए कोई कहता है तारे जमीन पर, कोई कहता है वेलकम। हम पूछते हैं तारे जमीन पर तो हम कहां रहेंगे? कोई धमाल मचा रहे किधर? ऐसे में भेजा फ्राई होना बट नेचुरल है कि नहीं? हम बताओ माता जी, बट नेचुरल नहीं बट नेचुरल। पास 100% पास, इतना काबिल बच्चा है, इतनी अच्छी इतिहास पढ़ता है, एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा देखना। और तानिया ये तो ऐसा तैरती है, एक दिन पीटी उषा को पीछे छोड़ देगी, तुम लोग देखना। हाँ पीटी उषा तो दौड़ती है ना। अरे तो एक ही बात है ना, ये भी लड़की वो भी लड़की, चाहे पानी पे दौड़ो चाहे सड़क पे पैरो, मामला बराबर। लाओ लाओ फीस लाओ, फीस लाओ, फीस लाओ, पूरे पैसे है ना, लाओ लाओ। आप लोग भी अजीब हो, आपको और नहीं है हमें ठोर नहीं है, हम जैसे ही आते हैं आप लोग बातों में लग जाते हो। कुछ सोचना चाहिए कि आप लोग तो गप्पाबाजी शुरू करते तो आपके चक्कर में हमारे सब बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल पहुंचने से पहले, है ना काकी? चलो सब बच्चा लोग, लेकिन एक बात सुन लो महिला समाज, हम
हम यहाँ पर कितनी देर में भी पहुँचे, लेकिन हम स्कूल में सबसे पहले पहुँचते हैं, क्यों बच्चे लोग? और मैं तुमसे पहले है? क्यों लगी शर्त? हाँ, हाँ, लगी लगी। वो मंजिलों के लिए मंजिल बन जाएगा, वो हवाओं पे होके सवार, हवाओं पे होके सवार आगे बढ़ जाएगा जो सोता ही रहता है। हाँ, और ये हर रोज नीचे को जाके बोलता है, टीचर प्लीज मैं गो टू टॉयलेट, टीचर प्लीज मैं। हाँ, ये सब मोटा है, तू चुप ही बैठ। ये चुप ही बैठ कैसे है यार? अरे कोई नहीं आ रहा सकता।
खजूर, तेरा रिक्शा किधर का बे? नहीं मेरा रिक्शा तो पार्किंग किधर है रे? नहीं पार्किंग ये लाडले, तो तू पहचानता नहीं है कौन है भाई, चाहेंगे ना तो इधर ही तेरा टोचन हो जाएगा। भाई को कौन नहीं जानता भाई? अबे शाणे, तू जानता नहीं वीरू भाई कौन है क्या? भाई भी नहीं जानते अपने आप को एक्चुअली। वीरू भाई अपन लोगों का लीडर है, लीडर समझा, रिक्शा यूनियन का लीडर। भाई पूछो इसको। क्या पूछो ना? हाँ, तेरी शादी हो गई क्या रे? जी भाई। क्या भाई, इसी के पिल्ले ने रैंको बाबा से लफड़ा किया था एक्चुअली। हाँ किया, लफड़ा किया, अक्खा लाइफ ही लफड़ा है भाई। आप तो समझदार हो ना भाई, आप सब मान सकते हो, सब जान सकते हो, जब राशन कम तो बीवी का भाषण ज्यादा, इधर महीना खत्म नहीं कि बनिए का बिल, खोली का भाड़ा और कमाई, कमाई का क्या ठिकाना, ऊपर से बीवी का ताना, आप तो समझदार हो ना भाई। हाँ, सही बोल रहे तू यार। जी भाई, तो मैं चलूं? चल तू जा। भाई आपको बना के चला गया भाई, इसी के पिल्ले ने तो आपकी गाड़ी का कांच तोड़े लाया है। अरे मालूम है, मालूम है यार। इधर आ, रिवर्स गियर मार, चल। भाई जाने दो ना भाई, पापा बात बात नहीं करेगा, पहला पैसा निकाल। किसका पैसा? चल निकाल निकाल निकाल। ये कांच फोड़ने का, ये फिटिंग करने का, ये वीरू भाई से पंगा लेने का, और ये यूनियन लीडर की इज्जत करने का, और ये मेरा है इधर से निकलने का। चल एक्चुअली बाबू ये कौन है? गॉड नोस। चलो बच्चों बैठो, सालों गरीब की हाय लगेगी तुम्हें। पानी लेके आई, बनी आया था, पैसे मांग रहा था। मैंने कहा चुप कर बे, पैसे भागे जा रहे हैं तेरे, आएंगे तो दे दूंगी ना, ठीक किया ना? बोलो घबराई लेते रहे। पानी पगार पगार अरे सुन रहा है ना, पगार पगार। पगार किधर है? ओहो बाकी बाकी बीरून ले लिया। ले लिया कि लूट लिया? मेरी ना किस्मत ही खराब है, तो अभी था मैंने बाबू को रैको के मुंह ना लगो, गया ना पैसा, और तुमने भी आराम से दे दिया। हराम का पैसा नहीं है जो वो कमीना लूट के ले गया। बोलना, मैं ही बोलती रहूं क्या? देखो गलती बाबू की थी, उसने कांच तोड़ा था, अब नुकसान किया है तो हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना। गलती तो है बाबू, फिर पर वो कोई काम भी तो नहीं करता ना, इधर उधर घूमता रहता है। देखो मुझे नहीं पता, तुम उसे स्कूल में जरूर दाखिला दिला दो, नहीं तो मैं जान दे दूंगी, अब ट्रेन के नीचे आके मर जाऊंगा। आओ पापा, आओ बाबू, और मोहल्ले महाभारत करो, तुम्हारी मम्मी सुनो जान देने जा रही हैं, खूब कांच तोड़ो, खूब बाप का नाम रोशन करो बेटा है। और वो जो रैंको कहता है ना कि तुम्हारी रिक्शा खटा रहा है, वो सही कहता है। अच्छा, वो जो बोलते सब ठीक है, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया खटा रहा है, मैं भी खटा रहा हूँ। सही कहा तुमने। ए भाई आ गए। भाई सलाम भाई। हाँ सलाम भाई। अपना आज का भाड़ा अपन का 1000 रुपया, अक्के मुंबई में आप भी एक है जो इतना कम भाड़े पे अपन लोगों को ऑर्डर देता है। सच्चे भाई, कल को आपको कुछ हो गया तो भाई अपन तो विधवा हो जाएगा ना भाई। क्या बकवास कर रहे हो बे? ये दीवाने विधवा नहीं, अगर भाई को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो अपन अनाथ हो जाएंगे यार। चल 1000 रुपया निकाल। चल भाई, 1000 तो नहीं है भाई, 2000 है भाई, कल का मिला के। अभी कैसा निकला? मेरी समझ में नहीं आता है कि अपने धंधे को हो क्या गया है, मेरे को तो तुम लोग की नीयत पे शक हो रहा है, धंधा बराबर करने का ऐसा कैसा हो गया भाई?
एक्चुअली आजकल ना अपने रिक्शा के धंधे की बहुत वाट लगे लिए। हाँ भाई, कंपटीशन ने भी सबकी पैंट बजा डाले भाई, आपके भी। चुपना ये मनुज नेस्ती। अबे को माइकल यार पैदा हो गया जो मेरे से कंपटीशन करे। अरे भाई ये तो येड़ा है येड़ा, आपको कौन हरा सकता है कंपटीशन में? सुन हाँ भाई, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप अपनी कमाल की खोपड़ी से कोई धमाल का आइडिया निकालो ताकि आप उन लोग ना अरे चलिए और माला माल हो जावे। अरे आइडिया तो 950 है मेरे पास, 25 में बताइए ना। क्या कर रहा तू? अरे उधर रही। ए, कौन मरा? सॉरी भाई, रैंको बाबा से गलती हो गई। वीरू के बेटे से गलती हो गई? लाल सिग्नल, चल। खबर डाले अगर रैंको बाबा से गलती हो गई तो। सलाम। आजा बेटा, आजा। तब ठीक है ना बेटा? कैसे गलती देते बेटे? हैं? ऐसे गलती? ऐसे करने का ना? गलती तो बाबू की है ना, कांच तोड़ दिया उसने, घर जाना तो भरना पड़ेगा। सारे पैसे उठा के दे दिए, अब महीना कैसे चलेगा? कपड़ा लता क्या फुकट में आता है? आसान सवाल का जवाब देने पर आपको मिलेगा पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम। जी तो कर रहे, जी तो कर रहे, ट्रेन के नीचे आके मर जाओ। हमारा पता है 103। ये क्या कर रहा है तू? फिर से पोस्ट कार्ड लेके आया? अरे क्यों टाइमर पर बात कर रहा है? कुछ नहीं होने का। पोस्ट कार्ड फाड़ दिया, मेरा पिन कोड नंबर भी चला गया, कुछ नहीं होने वाला इससे। अब हो गया तो सोचो, 50 पैसे का कार्ड हमारे घर में ला सकता है 1,00,000। सोच के देखो, 1,00,000। मेरे को क्या पता, मैंने तो कभी 1,00,000 देखा भी नहीं। ठीक है सुनो, 1,000 तो मालूम है ना तुम्हें, 100-100 के 10 नोट, उनको 10 से गुणा करो तो हो गए सीधे 10,000, और 10,000 पकड़ो सीधे 10 से गुणा करो तो हो गए 100,000। 100,000 सोच, उसमें से 25,000 अपने घर में लगवाऊंगा, इस घर को बनवाऊंगा, और 25,000 तेरे गहनों के लिए लगाऊंगा। सच्ची? और 25,000 अपनी रानी को सजा के टीप टाप बनवाऊंगा, हैं? और 25,000 अपने बाबू के लिए स्कूल का दाखिला। बाबू स्कूल जाएगा? बिल्कुल जाएगा, हमारा बच्चा स्कूल जाएगा। और बाकी पैसों का क्या होगा? बाकी पैसे? बाकी पैसे कहाँ है? 1,00,000 तो खर्चा हो गए। हाय राम, सारे पैसे तो तूने हम पे खर्च दिए, तेरे पास क्या बचा? मेरे पास क्या बचा? मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास बची तुम। भाई, ये तो कमाल का आइडिया है भाई, पक्के वर्ल्ड में ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा। कसम से भाई, ये आइडिया तो आइडिया का बाप है। ये तो आइडिया था, अभी प्लान सुनो। अक्की मुंबई के अंदर 1,00,000 रिक्शा, और 1,00,000 रिक्शा एक साथ दौड़ी तो क्या कमाल का धंधा होगा ना भाई। वीरो भाई, इंडिया में पहली बार सबसे बड़ा रिक्शा रेस करवाएगा। रिक्शा रेस? हाँ, रिक्शा रेस। और इस रिक्शा रेस में भाग लेने वाले हर रिक्शा वाले से हम 1,000 रुपए एंट्री फीस लेंगे। और किसी ने भी एंट्री फीस देने से मना किया उसको लाइफ से एग्जिट कर देंगे। एक्चुअली अरे भाई, ये तो समझ गया, लेकिन इतनी मगजमारी करने के मत, हम लोगों का क्या फायदा? अबे फायदा ही फायदा है, डायरेक्ट 10,00,000 रुपया जीतने वाले को। लेकिन जीतेगा कौन? वीरू भाई। वो भी बताता हूँ, एक्चुअली ना Oh,
What an idea, sir जी. क्या idea है? लगता है हम लोग लखपति बन गए. अब देखना ये रेस का प्लान कैसा तेल का मचाता है. बाबा मैं तैयार हूँ. गणपति पापा सब ठीक करना. ये तुम जल्दी करो ना. अरे कर दाखिला तुम्हारा नहीं है बाबू का है. अरे ये भी खत्म हो गया. ए मेरा बच्चा ये ले. लेट मत कराना. नए स्कूल में जाना. अच्छे से जाना और ज्यादा बात मत करना. और जो भी बात करना ना सोच समझ के बात करना. अरे अब जाने दो ना. सब कुछ यहीं पढ़ा दोगी तो स्कूल में क्या पढ़ेगा है ना बेटा. ए सुन. सुनो बेटा एक मिनट. जो भी मास्टर जी पूछे ना संभल के जवाब देना. ठीक है बिंदास. चलो बेटा संभल के जाना. कपड़े गंदे मत करना. ठीक है चलो चलो बेटा. ए सुन. फिर से मुड़ो बेटा. मेन काम रह गया एक मिनट. बेटा सारे पढ़ाई के सर्टिफिकेट तेरी मम्मी दिलवा देगी है. हटा जरा पीछे. ओम जय जगदीश हरे. स्वामी जय जगदीश हरे. बस अब तू एक बात मेरी सुन. हम सिर्फ बाबू के दाखिले की बात करने जा रहे हैं. जब तक दाखिला ना हो जाए तब तक ये बात किसी को मत बोलना. समझ गई. चलो बेटा चलो. अब कभी मत मुड़ो बेटा. इस सुन. ए हट ना भाई. ए तुझे कोई प्रॉब्लम है? रिक्शा चलाना नहीं आता तू कट मारता घूम रहा है. देखने बच्चे बैठे हैं. बाबू तुम स्कूल जाने से घबरा रहे हो? नहीं ऐसा तो नहीं है. जॉन इंग्लिश में पूछा तो? हाँ और हमारे प्रिंसिपल भी बहुत स्ट्रिक्ट है. अच्छा? वो तुम्हें इंग्लिश में पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है और तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है. तो क्या हुआ हम उसे इंग्लिश सिखा देंगे. क्यों बाबू? सुनो सुनो सुनो. व्हाट इज योर नेम का मतलब तुम्हारा नाम क्या है बाबू. और हाँ व्हाट इज योर फादर्स नेम का मतलब तुम्हारे पापा का नाम क्या है. राजू. वेरी गुड. और हाँ व्हाट इज योर मदर्स नेम का मतलब तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है. सीमा. वेरी गुड. यस यस. एक बार और रिहर्सल करते हैं. व्हाट इज योर नेम बाबू. व्हाट इज योर फादर्स नेम. राजू. व्हाट इज योर मदर्स नेम. सीमा. यस. तुम लोग चिंता मत करो बाबू अपना बिंदास जवाब देगा. साइलेंस. Teachers are Teachers are the foundation of the school. Sorry, sir. If you are disciplined, students will be disciplined. जैसा माँ ने समझाया है, सब चीजों पर ध्यान रखना. और जो बच्चों से सीखा है ना जैसे अंग्रेजी, वो टीचर पूछे फटाक से बोल देना, ठीक है? सब अच्छा होगा. चल, चल, चल. I don't like latecomers. I don't like losers. I don't like failures. I'm sorry, sir. चाहिए, चाहिए. I like winners. I want all my teachers, my students, and my school to be a winner in whatever we do. Do you all believe in winning? Yes, sir. So let's take pledge today. I can. I will. I must. I must be a winner. Chup. Babu, tujhe bhi line lagna hai. भगवान सब अच्छा हो. देखो बच्चों कुछ भी हो सब संभाल लेना ठीक है ना. बाबू अच्छे से. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. नमस्ते सर. गुड मॉर्निंग सर. ही इज आवर फ्रेंड. वी वांट हिम टू स्टडी इन आवर स्कूल. यस सर. कैन ही कम टू आवर स्कूल. हु इज दिस जेंटलमैन? सर ही इज अ रिक्शा वाला. सर गुड मॉर्निंग सर. सर इन बच्चों को स्कूल मैं लाता हूँ सर. सर ये लोग बोले कि मेरे बाबू को आप दाखिला दे देंगे बहुत मेहरबानी हो जाएगी सर. लुक किड्स द स्कूल इज नॉट फॉर किड्स लाइक हिम. ही नीड्स टू पे फीस. फीस फीस भरूंगा सर. कोई समस्या नहीं है सर. दिस इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल. ओके सर. ही नोस टू स्पीक इंग्लिश. जी 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 जी. हाँ हाँ आप इससे अंग्रेजी में बात करो. कोई समस्या नहीं है सर. व्हाट्स योर नेम? बाबू. What's your father's name? Raju. I'm father. What does your father do? Seema.
अरे यार, बहुत अच्छा, मेरा बच्चा सर, ये अंग्रेजी भी बोल सकता है सर, कोई कोई समस्या नहीं सर, और दाखिले के बाद तो सर घर में दो लाइट लगवा दूंगा जिसमें रात में भी पढ़ाई कर सके, और इसकी माँ को बोल दूंगा कि इससे दिन में पानी ना भरवाया करे, कोई समस्या नहीं है सर। किड्स गो टू योर क्लास। सर बाबू को लेके कहाँ जाऊँ सर? बताता हूँ। जी जी। सिक्योरिटी। यस सर। चले चलो बेटा। नहीं बेटा जरा आगे तुम बैठो चल के कोने में। सर, हमारे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा सर, आप सिक्योरिटी घर आपको घुमाने देगा सर, सर बच्चा पढ़ लिख जाएगा, खानदान का नाम रोशन करेगा, आपके स्कूल का नाम रोशन करेगा सर, समझने की कोशिश तो कीजिए सर, सर इतने सारे बच्चों में मेरा भी बच्चा पढ़ लिख जाएगा सर, सही सर एडमिशन दे दीजिए, बच्चे की जिंदगी तो चल जाएगी सर। अरे सुन यार, बात कर रहे हैं, बात तो करने दो। अरे सुन यार, हम चल सर, आप सुन रहे ना सर, सर देखना आप एक दिन पढ़ लिख कर सारे बच्चों से ज्यादा नाम रोशन करेगा हमारा बाबू, सर बच्चे की जिंदगी का सवाल है सर, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं रात दिन रिक्शा चलाऊंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन इसकी फीस भरूंगा सर, सर आपका फोटो अपने घर में लगा के आपकी पूजा करूंगा सर, आपका एक एडमिशन में आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा सर, इसका एडमिशन कर लो सर। सर इतने अच्छे आदमी है ना प्रिंसिपल, बिल्कुल गुरुजी हो तो उनके जैसा, और तूने भी क्या उत्तर दिया, इधर टपाक से प्रिंसिपल ने पूछा और उधर टपाक से तूने उत्तर दिया, देखना ये सब तेरी मम्मी को बताऊंगा ना तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटेगी। ए सुन, ये मेरे बाबू को आएगा? हाँ मैडम, बाबू को तो बिल्कुल आएगा, वैसे बाबू है कौन? तेरे को इससे मतलब बाबू कौन है? बाबू मेरा बेटा है। ये कितने का है? ये 200 का है। अरे पर मुझे एक ही टी शर्ट मांगता है ना। मैडम मैं एक ही का भाव बोल रहा हूँ। एक टी शर्ट का 200 रुपया? बराबर है, सस्ता टी शर्ट लेने का तो फुटपाथ पे जाके लो, यहाँ नहीं मिलता सस्ता टी शर्ट। फालतू नहीं बोलने का समझा ना, फुटपाथ का कपड़ा पहनाना तो अपने बच्चे को जाके पहना समझा, और सुन मेरा बाबू तेरी इस दुकान के कपड़े पहनेगा ना तो तेरी सड़ी सी दुकान की शान बढ़ेगी समझा, कितना हुआ? चलो ठीक है मैडम, टोटल 400 रुपए हो गए। ठीक है ना, ये पकड़ एक मिनट। अरे मैडम आप तो शर्मिंदा। अरे मैडम, अरे आप छुट्टा भी रख लो मेरे बाबू के नाम। मैडम आया, अच्छा सुनो पैक, पैक मैडम पैक तो करने दो, पैकिंग फ्री है मैडम। आ जाओ हमारी सीट बैठ जाओ आके, संभल के नहीं ब्रेक करने, ऑटो नहीं दिख रहा, संभल के नहीं चला जाता, खोपड़ी पे चले आ रहे हो। सीमा, बेकार सब बेकार सब साला बेकार। ए तू आ गया? हाँ? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, अभी गई थी बाहर। बाबू किधर है? वो खेलने गए। क्या हुआ, एडमिशन हो गई? बोला मुझे पता था हो जाएगी। इधर पानी पी ले, बैठ। हाँ अब बता शुरू से। शुरू शुरू करें? हाँ शुरू से शुरू क्या, जैसे प्रिंसिपल से मिले, प्रिंसिपल ने सीधे अंग्रेजी में बौछार कर दी, अंग्रेजी की तो लेफ्ट हैंड गो प्राउड, अब सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड गो ट्रैफिक, देन एवरीबॉडी वाज हॉंकिंग आई हॉंक, नोबडी वाज हमसे रिएक्टिंग, अब डे डिफरेंट डार्क द फायर स्टॉप द जस्टिस, अब कभी कभी अब गो देयर टेक देयर एट ऑफ होल मंथ एट मंथ नो नोबडी। रुक 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 रुक, क्या मतलब इसका? मतलब तुम कौन हो, कहां से आए हो, इतने सारे का इतना सा? नहीं अंग्रेजी में बहुत लंबा चौड़ा लगता है, हिंदी में तो इतना हो जाता है ना। देन मैंने भी जाके अंग्रेजी में ही उनको जवाब दे दिया, मैंने कहा राजू रिक्शा वाला लेफ्ट टर्न डाउन इन स्कूल डिवाइडिंग स्टॉप टीयूसी पोल्यूशन बाबू एडमिशन। रुक रुक रुक, मैं बताती हूँ, इसका मतलब है कि मैं राजू रिक्शा वाला हूँ और मैं बाबू की एडमिशन कराने आया हूँ, सही? हाँ तू तो अंग्रेजी बहुत अच्छे सीख गई है। बस क्या, अच्छा फिर? फिर क्या, अब जो होना था वो तो, अरे एकदम जैसे कॉलेज गेट पे जो स्कूल मार, बच्चे टीचर माँ बाप सब मछलियों की तरह इधर उधर तैर रहे,
वो जॉन और तान्या बोल रहे थे कि हम भी चलेंगे। मैंने कहा तुम क्या करोगे, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारा थोड़ी एडमिशन होना है, एडमिशन तो बाबू का होना है। बाबू को लेके जैसे मैं गेट खुला, भीड़ के अंदर में घुसा तो एकदम सब पूरा क्राउड एकदम बस झोले के साथ में, तो मैंने बाबू को पकड़ा चीरता हुआ भीड़ को, इधर तो बाबू को धक्के लगे, मुझे धक्के लगे। मैंने बाबू को इधर किया कि बाबू तू इधर ना मत जाना, इधर मत जाना, सीधा ऐसा ढकेलता हुआ सीधा प्रिंसिपल के सामने खड़ा हो गया। और बाबू का एडमिशन नहीं हुआ ना? हमने बहुत कोशिश की पर ये एडमिशन नहीं हुआ। ऐसे स्कूलों में हमारे बच्चों के एडमिशन कहाँ होते हैं सीमा? ऐसे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लाने ले जाने में हम लोग काम आते हैं। लेकिन तुम सीमा ऐसा मत सोचना कि मैं बाबू को पढ़ाना नहीं चाहता। बाबू हमारे बेटे से कम नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी भूले नहीं है। अब हमारा 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 गिरधर के अलावा इस दुनिया में था कौन? आज गिरधर नहीं है तो कम से कम उसका बेटा तो है। मैंने प्रिंसिपल के बहुत हाथ पैर जोड़े सीमा, वो नहीं माना, मैं हार गया। रोना नहीं, कभी लगा ही नहीं कि वो हमारा नहीं है। अपने बच्चे से बढ़कर पाला है रे। और भले ही मैं कितनी मर्जी किटकिट करूं, मुझे पता है तो उसे बहुत प्यार करता है। इस मैं स्कूल में एडमिशन नहीं हुई तो क्या हुआ, दूसरे में हो जाएगी। रोया मत कर, मुझे रोता हुआ राजू अच्छा नहीं लगता। तू रहेगा तो मैं भी रोऊंगी, मुझे रोना नहीं है। ए तू रोएगा ना तो मैं जान दे देगी, ट्रेन के नीचे आके मर जाएगी। सुना ना, ट्रेन के नीचे आके मर जाएगी। अरे ट्रेन तो हर 10 मिनट में आती रहती है, पहले चाय वाय पिला के जाओ। क्या ये? अरे मत नहीं देगा मुझे। आपका आइडिया सॉलिड एकदम, झटका आजमा कर सब। मगर भाई रेस में कोई और जीत गया तो? पनवती जैसा बातें करता है। चुप। अबे सुन, मैंने सोच लिया है, कोई जीत नहीं पाएगा। अगर किसी ने अपने से शानपट्टी किया ना तो उसकी सांसों से उसका कनेक्शन काट डालूंगा, समझे क्या तू? बात करता है चार्जर मार दो। अरे वाना नहीं चलता यार, देखो मैं क्या बोलता हूँ, अपन लोग को है ना रेस पे से अपन एक शेर याद आ गया भाई। सुना ना भाई, इरशाद यार, इरशाद। जल्दी बोल नहीं तो भूल जाएगा। वो सुना ना करे फिर, वो देखने का। अबे देखने का कैसे बे? मतलब वो चिड़ियाघर में देखा था ना शेर, उसके बारे में बात करो। अभी आगे शेर बोलेगा ना तो इसका पैर बोलेगा, चुप चाप। अरे ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमारी रिक्शा रोकी थी। डेंजरस प्लान यार, उधर से नहीं, इधर से। मैं क्या बोलता हूँ, वीरू के सिवाय कोई रेस नहीं जीतेगा, समझा ना? अगर किसी ने जीतने की कोशिश की ना तो उसको टपका डालूंगा मैं। एक्चुअली में कोई मिस्टेक नहीं करेगा, मेरे से भी नहीं मिस्टेक होना मांगता है, सब क्लियर मांगता है, न्यू क्लियर डील से भी क्लियर। हे मास्टर, क्या कर रहे इधर? कुछ तूने सुना तो नहीं ना? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। सही में कुछ नहीं सुना ना कि रेस वेस कराने वाले? नहीं, रेस के बारे में नहीं, रेस के बारे में कुछ नहीं सुना भाई, कुछ नहीं सुना। हम लोग झोल करके नोट कमाने वाले, ये नहीं ना सुना? नहीं, झोल का तो बिल्कुल ही नहीं सुना। ए नहीं नहीं की दुकान, फाइनल बार पूछ रहा हूँ, तूने ये तो नहीं सुना ना कि हम लोग किसी का गेम कर रहे ले? हाँ सुना सुना। नहीं सुना, नहीं सुना।
मास्टर। वाकई इसने कुछ नहीं सुना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चले मास्टर, बजा हॉर्न और निकल फॉरन। चले। भाई, ये किसलिए भाई? ये इसलिए दिमाग से काम करने का, सोच समझ के काम करने का साले। सुनता तो? भाई जीनियस है। दिमाग से चल। चाची मौसी, यहाँ पे टंकी लगवा देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। मैं राजू से राजा बनूंगा और तू बनेगी मेरी रानी। रानी नहीं, घर में एक ही कटारा काफी है। क्यों, हुआ क्या? ले ले, ये पढ़, हमारी किस्मत बदलने वाली है। चक्कर आ रहे हैं। अरे चक्कर तो अब आएंगे। इंडिया में पहली बार ऑटो रिक्शा की रेस, और जीतने वाले को मिलेंगे 10 लाख रुपए, और मैं जीतूंगा 10 लाख रुपए, मैं जीतूंगा 10 लाख रुपए। ये सुनो रे, तुम लोग चाहते थे ना कि हमारा बाबू स्कूल जाए। बाबू स्कूल जाएगा, इंग्लिश बोलेगा, और जब प्रिंसिपल पूछेगा व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज बाबू, व्हाट इज योर फादर नेम, माय फादर नेम इज राजू, और माय मदर नेम इज सीमा। मैं तुझे गहने ला कर दूंगा, तेरे सारे सपने पूरे करूंगा, क्योंकि मेरी ये रानी। लेकिन हमने सुना था कि वीरू के सिवाय कोई रेस नहीं जीतेगा। अगर आप जीत गए तो उसको टपका डालूंगा मैं। कुछ नहीं कुछ नहीं, इसका मतलब हमारी रानी। हाँ जी, खटारा हो गई है। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया ना, तो मेरा और बाबू का क्या होगा? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा एक्सीडेंट? एक्सीडेंट को खिलौना है, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो मैं कह देती हूँ, अगर तुमने इस रेस में हिस्सा लिया ना, तो मैं ट्रेन के आगे आके जान दे दूंगी। मैं भी कह देता हूँ, मैं रेस में हिस्सा लूंगा। तुम लोगों को साथ देना हो तो दो, नहीं तो जो समझ में आए वो करो। अकेला हूँ, अकेला हूँ। अगर रेस में गाना तो मैं क्या, मैं राजा, अरे आजा, अपनी मुसीबतों का बज गया बाजा, अपनी भी किस्मत का खुल गया ताला। सुनो रे, अपनी भी निकल पड़ी। थी जिंदगी खड़ी खड़ी, रॉन्ग पार खेल में थी पड़ी। जिंदगी खड़ी खड़ी, रॉन्ग पार्किंग में थी पड़ी। हो गया इशारा, बदलेगा लक हमारा। हॉर्न ओके प्लीज। चल पड़ी निकल पड़ी, अपन की तो जिंदगी उछल पड़ी। अपन की तो चल पड़ी निकल पड़ी, ये जिंदगी उछल पड़ी। हो गया इशारा, बदलेगा लक हमारा। हॉर्न ओके प्लीज। चल पड़ी निकल पड़ी, अपन की तो जिंदगी उछल पड़ी। अपन की तो चल पड़ी निकल पड़ी, ये जिंदगी उछल पड़ी। हो गया इशारा, बदलेगा लक हमारा। ये हाँ ओके प्लीज।
आसमां में सी फेसिंग बनाऊं, हाँ 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 एक खोली आसमां में सी फेसिंग बनाऊं, रेनबो की बोट में मैं बोटिंग कराऊं। ऐ चांद मेरे तेरी मांग तारों से सजाऊं, हाँ चल मैं तेरे हीरे मोती मैं बिछाऊं, सारे जहां की खुशियां तेरे नाम में लिखूंगा, जो कहे कि तू मुझे वो सब मिला के दूंगा। हॉन ओके प्लीज, ये चल पड़ी निकल पड़ी अपुन की तो जिंदगी उछल पड़ी, अपुन की तो चल पड़ी निकल पड़ी ये जिंदगी उछल पड़ी, हो गया इशारा बदले गलत हमारा ये हॉन ओके प्लीज। इधर दीवार क्यों खाली है? इधर आ, 10 लाख चिपका दे, ठीक तरह से चिपका, भाई गिरने नहीं चाहिए। और बोला पुलिस कमिश्नर, अरे तो चौकी के अंदर थोड़ी चिपकाने का, आजू बाजू में चिपकाने का, येड़ा अंडरस्टैंडिंग होना मांगता है एक्चुअली। भाई ये तेरे को नहीं, बोल क्या है भाई, जिधर जिधर जैसा जैसा बोले ना वैसा पोस्टर चिपकाने का काम चालू है। फैंटास्टिक, खाली पीछे में जाके पोस्टर निकाल लेता हूँ। अरे दूसरों के लगे हुए हैं ना, वो निकाल के अपने लगा लेता हूँ। तो इसका टाइम क्यों खराब करता है? चलो भाई, चलो भाई, भाई 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 टेंशन नहीं लेने का भाई। बोल, अपनी मंडली आ गई है? आ गई ना, अपुन ने सबको समझा दिए लाए, रेस में वो लोग आपके आगे पीछे रह गए। आगे नहीं पीछे, पीछे समझा? हाँ भाई आपके पीछे रहेगा ना। हाँ भाई आप जीतोगे तभी तो अपन लोग का फायदा होगा ना। ये हुई ना बात, यार शाबाश शाबाश, क्यों नहीं क्यों नहीं होगा ना यार। भाई ये लोग रेस में किसी को आगे निकलने ही नहीं देंगे। मेरे को छोड़ के समझा ये लोग को। क्या भाई, बस क्या आप तो आगे ही छे ना। अभी कैसे बोले तू? चलो रे, चल पीछे, बड़ा शाना आ जा पीछे। अरे चिपका ना चिपका, अरे डर क्यों रहा है? अगर कोई ना बोले ना उसके कान के नीचे चिपका चिपका। अबे जल्दी जल्दी चिपका ना, पोस्टर चिपका रहा है कि अनार केली को दीवार में चुन रहा है। जफर भाई, मेरे भाई के लिए चक्का सॉइल देना। जकास बोले तो रेसर फोर। अरे असली रेसर तो इधर है। ए लाडले रेसर, बोल। अरे गाय को रेस का प्रेशर लेके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है यार। मैं बढ़ाऊं या घटाऊं तेरे को क्या? ये लाडले, हाँ तेरा ध्यान से सुन। क्या सुना? कायदे में रहेगा ना तो फायदे में रहेगा। अबे वो तेरी खटारा ऑटो रिक्शा है ना, नॉर्मल चलती है तो हिचकिया लेती है, कभी रेस में दौड़ी ना तो डायरेक्ट डेथ हो जाएगी। तू अपनी डेथ की चिंता कर। ये शाने ट्रेलर टायर की सड़ी हुई तू, तेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, इधर मेरी ऑटो का एवरेज चेक कर रहा है। ये बिना फोंकू के हान तू अपना फ्यूसी चेक करा, तेरी खोपड़ी का कार्बोरेटर तेरे मुंह के साइलेंसर से बदबू वाला धुआं छोड़ता है, समझा ना? तेरे को फोड़ डालूंगा कसम से, अगर तूने वीरू भाई को बोला ना ये छोटे ने मेरा पानी उतार दिया। अबे एक नहीं तीन तीन तेरे शेर सुनूंगा मैं, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जाने दो। अबे ए पप्पू इधर आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। ए राजू अभी भी मांडवाली कर ले, सॉरी बोल दे क्या? वीरू भाई आप बाबा इसकी चर्बी चढ़ गई, बोल बच्चन बढ़ गए, जरा देख लो आप। तू फालतू का रेस का सोच रहे ले। देख तू अपने बस्ती का है इसलिए तेरे को समझा रहे ले। तू अपने साथ आ जाए ना, अरे अपुन रेस जीतेगा ना, तेरा थोड़ा बहुत फायदा करवा देंगे जैसे लोग का करवाया मैंने। वीरू भाई फायदे और नुकसान का धंधा तो आप लोग संभालो, हमें तो रेस का एक ही कायदा मालूम है, जीतो शान से और इज्जत से हारो। और हाँ रही घाटे मुनाफे की बात, तो वो तो रेस का नतीजा बता देगा ना। चकली वो 10 लाख का चक लाके दे रहे इसको,
इतना ओवर कॉन्फिडेंटल है, जब ये जीतने वाला है तो रेस के झंझट का के लिए चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे इसके चक दे। वो तेरी ऑटो रिक्शा है ना, स्टार्ट होती है एक घंटे के बाद, जब तक अपना रेस ही खलास कर डाले। राजू, अरे वीरू भाई के सामने तेरी औकात मतलब ट्रक के सामने साइकिल जैसी है। देख, अपन रिक्शा यूनियन का लीडर है और तू बच्चों का ड्राइवर, तेरे को रेस बच्चों के साथ खेलना चाहिए एक्चुअली। और सुन, हम लोग के रेस में हिस्सा लेने के लिए 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता है, और ये रजिस्ट्रेशन वीरू भाई तेरे को गिफ्ट में दे रहे हैं। अगर तू खरीदने को जाएगा ना, तेरे को घर के बर्तन बेचने पड़ेंगे, घर के बर्तन बेचेंगे तो खाएगा किस में, पत्ते पे। इतने बड़े आदमी के मुंह से इतनी छोटी बात अच्छी नहीं लगती वीरू भाई। ये रेस बच्चों के ड्राइवर और रिक्शा यूनियन के लीडर को नहीं पहचानती है, और रही छोटे और बड़े आदमी की पहचान, तो ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो आप ये 1000 रुपए का गिफ्ट अपना अपने पास रखो, खाली चमचे और खाली बर्तन तो आपके पास है, इनके लिए महीने भर का राशन खरीदो, इनका पेट भरने के काम आएगा। और देख वीरू, नेता नेता है, सबकी सुन के लेता है। बोल, सुन। अभी तक इस रेस में भाग लेना सिर्फ मेरा जुनून था, और अब से इस रेस को जीतना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। छाती ठोक कर बोल रहा हूँ मैं। भाई इसको ठोक डालो यार। रेस ही इसको ठोक देगी। गाइस, क्यों ना वीरू का भांडा फोड़ दे? कुछ भी मत बोलना। हे, व्हाट्स अप गाइस? क्या हो रहा है? मुझे भी तो दिखाओ। ऑटो रिक्शा रेस? इंटरेस्टिंग। हाँ, और हमारी रानी रेस जीतेगी। हाँ। मतलब वो रानी वो तुम्हारी रिक्शा? हाँ। अरे चल, वो खटारा तो मेरी साइकिल उससे पहले पहुंच जाएगी। हे ब्रो, इफ यू आर नॉट हेल्पिंग अस देन डोंट टीज अस। यस गाइस, हम लोग जीतेंगे, वी विल विन, रिमेंबर दैट प्लेज। यस, आई कैन, आई विल, एंड आई मस्ट बी अ विनर। यस, यू हैव टू विन द कंपटीशन। This is not great, Raymond. You know, you can do better. Action. No, no explanation. I want action. Our school must win the science contest, and I know you can do it. Yes, you can do it. Line me, Divya, jana line me. Tu kyun bahar khada hai? अरे मैं वीरू भाई कहती हूँ। वीरू भाई का? अरे माफ कर, लाइन में चल, चल लाइन में, लाइन में चल, लाइन में, लाइन में, लाइन में। क्या डिमांड है भाई? सलीम भाई, एक लाइन पे शेर सुनो क्या? अभी आता हूँ। ये वो कछुए उधर से। अंदर आके सुना तो मैं। अबे वो कैलकुलेटर के बटन, 1000 रुपए गिनने को इतना टाइम जावे तो 10 लाख गिनने को अगले जन्म मिलेगा, तो चल निकल चल। रेस के 10 लाख तो वीरू भाई जीतने वाले है ना? अभी तो ये कौन सा अगला जन्म लेने वाला है? बाय 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 बाय, आपको कुछ लोग मिलने हैं। हाँ भाई। वो बोल रहे हैं हमको रेस में पार्टी का सेट करना चाहते हैं। हाँ भाई। अरे पार्टी का सेट नहीं रे, वो लोग है ना रेस में भाग लेना चाहते हैं, उसको पार्टिसिपेंटल बोलते हैं एक्चुअली। आता नहीं इंग्लिश तेरे को? वही वही वही। अभी रजिस्ट्रेशन का टाइम तो खत्म हो गया, उनको कल बोला चल चल। भाई भाई, लेकिन वो लोग इधर के नहीं है, बाहर से आए। तो उनको बाहर रख। मगर भाई, भाई मैं बोलता भाई, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 साल से लगातार साइकिल दौड़ में हम अपने विद्यालय में प्रथम आए, और देखना रिक्शा दौड़ में भाग लेकर प्रथम आएंगे।
ओए बाबे ओ, ओए सानू भी रेस में हिस्सा लेने का बहुत शौक है जी, ब्रेक दबा के। हमको भी रेस में भाग लेना है। इनो भी कह रहे हमें भी रेस में भागा पो नहीं। अरे तुम लोग महाराष्ट्र के नहीं हो फिर? लेकिन भाई क्या लेकिन, बराबर है भाई, बराबर है, बराबर है। हमें छोड़ा गंगा किनारे वाला इलाहाबादी उत्तर प्रदेश। ओ जी बाबे ओ, हम तो पंजाब से हैं जी, ठेठ बठिंडा से। वाह हमारे 25-26 ऑटो चलते हैं जी ब्रेक दबा के। और तुम नेपाली हो? नाना साहब जी हम कलकत्ते से। अरे तू शक्ल से नेपाल का है, भाषा से बंगाल का है, तेरा कड़िया कौन एक्चुअली? साहब जी हमारा मम्मी कलकत्ते से, तो हमारा बाप उसका घर में चौकीदारी करता था, फिर दोनों को प्यार हो गया, मतलब ठुकरी और रसगुल्ला एक हो गया, हम पैदा हो गया। हाँ इसके लिए हमारा नाम बंकिम चौन थापा। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। हूँ गुजराती। भरूच में दो ही चीज फेमस छे, एक तो सिंह ने दूसरी दिलीप सिंह पटेल। मारो नाम छे। भरूच में कोई को भी पूछो ऑटो यूनियन का प्रेसिडेंट कौन छे तो आपका नाम लेगा नथी, बनारसी भाई छेड़ा का नाम बताएगा। हूँ तो ऑटो यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हैदराबाद से। अरे ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग इसमें एक्चुअली बराबर है। ना मत कहना बाबियो, देखो आपके दरबार में हम वट्टी सी आस्त छोटी सी गुजारिश लेकर आए हैं जी, अपनी इस वट्टी सी रेस में हमें छोटी सी एंट्री दे दो ब्रेक दबा के। मिनट साहब जी, हम ऑटो चलाने में बहुत बहादुर है। अरे तुम ऐसे भी बहादुर हो? ना साहब जी, हम जब अकेला ऑटो चलाता ना तब भी फर्स्ट आता है। ऑटो चला करके हम कलकत्ता और नेपाल का नाम रोशन करेगा साहब जी। मगर एक्चुअली ओ जी बाबे ओ, एक्चुअली नु छड्डो ते नोटा नु फड्डो ते मेरी 25 ऑटो दी एंट्री रजिस्टर करो जी ब्रेक दबा के। भाई ये कभी रेस नहीं जीत सकता, तू कितने स्पीड ब्रेकर है। कौन बोला पूरा है, कौन बोला भाग नहीं ले सकता है? आप लोग बिल्कुल पार्टी से बैटल कर सकते हो। अरे आप लोग देश की एकता हो, अखंडता को जिंदा रखते हो, इसको अंदर रखते हो। चल एक्चुअली अंदर छुपते छुपाते इश्क लड़ाए, सोचा था कहेंगे कुछ ना प्रीत की लगी कचहरी। अरे अब क्या करोगी गोरी? अरे
बात घुसखोर निकली, सौदा जिया का था सारा नकली। उइमा मोहब्बत घुसखोर निकली, सौदा जिया का था सारा नकली। हर दिया ये चाहत चुगल खोर निकली, चौक चबारे से बोले पगली। हर दिया ये चाहत चुगल खोर निकली, चौक चबारे से बोले पगली। झुमके नाचे झुमके नाचे झुमके नाचे झुमके नाचे नाचे रे ललमुनिया। अरे पंगा कर गए, अरे फूको फाको आग लगे चूल्हे जाए दुनिया। अरे फूको फाको आग लगे चूल्हे जाए दुनिया। ए फूको फाको आग लगे चूल्हे जाए दुनिया। अरे फूको फाको आग लगे चूल्हे जाए दुनिया। मुँह जोर निकली, मुँह फट जवानी काम चोर हो चले। पहले बोलता था पप्पू कान डांस साला। बाबा पूछो। बाबा रेमो भाई आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या मदद करोगे तुम लोग? रेस के लिए। रेस में क्या मदद करोगे मेरी? हम जानते हैं राजू कि तुम्हारी ये रानी रेस नहीं जीत पाएगी। हाँ। क्या मतलब? देखो तुम्हारी ये रानी बहुत ओल्ड मॉडल है, ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। हम सब यहाँ आए हैं ताकि हम और तुम एक साथ मिलकर इस रेस को जीतने की कोशिश करेंगे। हाँ। बोल चुके, अभी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं। देखो मैं नहीं चाहता मेरे चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई और पैसे का नुकसान हो। और आज तक मैंने तुम्हारे माँ बाप से होली या दीपावली बख्शीश तक नहीं मांगी, तो तुमसे क्या मदद लूंगा मैं? मगर राजू। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। और तुम लोग अगर वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो दूर रहो मुझसे और मेरी रानी से। और मुझसे भी, मुझे बीरू को मेरी पहचान बतानी है। क्या यार, तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं। बाबा को मनाना। अब क्या करें? क्या है राजू, तो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? ऐसे ही कॉन्फिडेंट लोना मांगता है आदमी को। क्या बात है भाई, अभी तो नक्की चाप को रेस में कोई नहीं हरा सकता। बस खाली ऑटो का टायर नहीं पंचर होना चाहिए। क्यों होगा टायर पंचर? कील से भाई। क्यों होगा कील? क्यों होगा कील रास्ते पर? रास्ते पर कील क्यों होगा बोल? क्योंकि भाई कील पे रास्ता नहीं हो सकता ना भाई। एक्चुअली नहीं, इंटेलेक्चुअली। अरे भाई जीनियस है यार। अपने को सिर्फ इतना सोचने का है, अगर मैं क्या बोलता हूँ, अगर अगर
कोई अपने से आगे जाने की कोशिश किया ना तो कोई टेंशन नहीं भाई, अपन कांच से लाइट मारकर उसकी आग चौंधा डालेंगे। भाई ऐसा रिक्शे में किसी को बिठाना तो नियम के बाहर है। कौन बोला? कौन बोला? यही बोला जिसे आपने चाटा मारा। अरे बाबा कौन बोला नियम के बारे में? भाई इसने बोला भाई। अरे मेरा मतलब है किस गधे ने नियम बनाया? आपने। तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, ये रेस तो मुझे जीतना ही है। ये रेस जीतने के बाद देखना मैं तुझे सचमुच की रानी बना दूंगा, खाली नाम की रानी नहीं। जीनियस ब्रो, लेकिन ये सब 8 दिन में कैसे होगा? Just watch. Type 2 stroke, cooling type, forced air cool, displacement 145.45 cc, max power 7 bhp, 5.15 kW at 5000 rpm, max torque 12.1 mm, ignition type CDI, transmission type 4, forward 1 reverse, clutch type wet, multi-disc type. Oh. Wow, हमारी रानी भी इतनी तेज दौड़ेगी? इससे भी तेज। कमाल का पिकअप ले रही हो आज? ये देख के चला ना। भैया बढ़िया बढ़िया फूल, सुंदर सुंदर। आज अपनी रानी सजाना है। नहीं नहीं अच्छे दो ना, अच्छे से बनाओ, मतलब बना के दो। आइए वाले फूल लगा दो। धीमे धीमे आ
अभी तक इस रेस में भाग लेना सिर्फ मेरा जुनून था और अब से इस रेस को जीतना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। ये छाती ठोक कर बोल रहा हूं मैं। जीतने से पहले ही हार गया रे। क्या बोला रे, क्या बोला रे तू, क्या बोला रे तू? रेस हार गया। तू वही है ना जिसकी मां मरी थी उस दिन, आधी रात को बिठा के लेके गया था उसका डरा मैं, याद है कि नहीं? और तुम वो सीढ़ी में बैठ कर रो रहा था जब आगे तुझे हंसा रहा था वो, सब बहुत आता है वो, और तुम जब आई थी ना इधर ब्याह के, तो राजू बोला था मेरे को अकेले मत समझना अपने आप को, ये पूरी बस्ती हमारा परिवार है, सुख दुख के साथी है हमारे, सुख दुख के साथी। हंसो, हंसो, ताली मार के हंसो। नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, मैं है अपने राजू के लिए, जाओ। राजू रानी ठीक हो जाएगी, राजू, राजू इसको, इसको मैं ठीक करूंगी, हम है ना, हम ठीक करेंगे इसको। राजू तुझे विश्वास नहीं है ना मुझ पर, बुरा भला कहती हूँ ना मैं तेरी रानी को, तू इसे इतना प्यार जो करता है, चल जाती हूँ मैं, तू देखना इतना सुंदर सजाऊंगी मैं अपनी सौत को कि दुनिया देखेगी, समझा ना तू, तू रेस में जाएगा, रेस जीतेगा रे तू। कुछ सोचना नहीं है, जो करना यही है, कुछ सोचना नहीं है, जो करना यही है, मैदान में आए जो भी चमके टकराना है, बाजी हो चाहे जैसी भिड़ते ही जाना है, मैदान में आए जो भी चमके टकराना है, बाजी हो चाहे जैसी भिड़ते ही जाना है, टकराएगा जो मिट जाएगा वो, टकराएगा जो मिट जाएगा वो, कर देंगे खेल खत्म। मापसम ये है यारां दा टशन, मापसम है यारां दा टशन, मापसम ये है यारां दा टशन। From
टूटे फूटे उम्मीदों से तकदीर तराशेंगे, दिक्कत के दरियाओं में दरबार सजा देंगे। सिचुएशन हो टेंस तो फिर हम सेंस लगा देंगे, ताकत अपनी यारों 100% लगा देंगे। बिंदास तू जाबाज तू बढ़ते ही जाना है, मत सोच आज क्या होगा कल चलते ही जाना है। टकराएगा जो मिट जाएगा वो, टकराएगा जो मिट जाएगा वो, कर देंगे खेल खत्म। माँ कसम ये है यारों का टशन, हल्ला बोल के लड़ते जाना है, हमसे लोहा लेगा जो उसको पछताना है। पर हमसे बैर नहीं उसकी खैर सबको समझाना है, दुनिया को जीने का नया अंदाज दिखाना है। डंके की चोट पे पड़ते ही जाना है, मत सोच आज क्या होगा कल चलते। प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि हम रेस जीत पाए। देखो बाबू, राजू ने जो तुम्हारी एजुकेशन के लिए सपना देखा है वो तो हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। हाँ। एक दिन हो या एक घंटा, क्यों? और हम रेस तो जीत के ही रहेंगे। हाथों में लेकर हाथ हमेशा साथ निभाएंगे, प्यार से हर एक गम का सागर हम तर जाएंगे। जुल कर हर एक सफर बस तय कर जाएंगे, दूर भले हो मंजिल अब हम ना रुक पाएंगे। सब ठान के हाँ शान से बढ़ते ही जाना है, मत सोच आज क्या होगा कल चलते ही जाना है। टकराएगा जो मिट जाएगा वो, टकराएगा जो मिट जाएगा वो, कर देंगे खेल खत्म। ये है यारों का टशन।
किया है। गुजरात, यूपी, पंजाब, हैदराबाद, कलकत्ता और अन्य प्रदेशों के सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। तो फिर एक बार फिर स्वागत है उन लोगों का इस ऐतिहासिक ऑटो रिक्शा रेस में, जहां जीतने वाले को एक नहीं, पांच नहीं, पूरे 10 लाख मिलेगा अगर वो जीता तो। देख रानी, अपने परिवार में राजू, सीमा और बाबू के साथ अगर कोई चौथा आता है तो वो तू है। हम चारों ने साथ साथ दुख दुख बांटे, लाज रखना। ये बोल बचन और चुम्मा चाटी करने से कुछ नहीं होता है, मैदान में मुकाबला करना पड़ता है। और मुकाबला करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्ट करने के लिए सर दबाना पड़ता है, किक मारना पड़ता है, नहीं तो बच्चों के साथ में धक्का मारना पड़ता है एक्चुअली। ये राजू, इस हार में तेरी हार है। तो दोस्तों, ये बच्चे रानी में रहेंगे? हाँ। अरे, ये बड़ों की रेस है, इतनी डेंजरस रेस है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो? खतरों से खेलना हमारा शौक है। Yes. And we can show principal sir that we can, we will, we must be a winner. चलो चलो। एक मिनट। 25 किलोमीटर की है ये रेस, और इसकी खूबी ये है कि इसके लिए कोई भी सेपरेट या नया ट्रैक नहीं बनाया गया है। निकालते हाँ बिल्कुल, अभी कल तक उठा।
पर किधर जाने का? अरे वीरू मैंने क्या बनाया यार, ऊपर नीचे किधर जाने का राइट? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या घर से क्यों लिखा है? एक तो अरे उधर कहाँ जा रहा हो? अरे इधर जा रहा है, उधर क्यों? मैं इनको क्यों बता रहा हूँ? मुझे जितना है 10 लाख, तो वीरू मेरे को जितना है, आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। भाई भाई रुकना पड़ेगा। ये गाड़ी क्यों रुका पता पहले मेरे को? आगे देखो ना, रास्ता बंद है। अन्ना एक्चुअली मैं देखता, मैं देखता हूं। हां चार मीनार हर सामने से धूल में मिला दूंगा। अरे पांच तत्वों में विलीन कर दूंगा। निकल जा। खोपड़ी चलाता, सबको निकालता इधर से, टेंशन न को। अरे 5 चक्कर पूरे हो गए, अब तो मत झूला। रोक, झूले ने रोक, झूले ने रोक, झूले ने। ऊपर से रास्ता दिखाने के बहाने हमें झूले पे लटका के चला गया ये वीरू भाई ब्रेक दबा के। पापा ये लोग ऐसे कितने देर तक लटके रहेंगे? ये तेरे बाप के चक्कर में जितने भी घन चक्कर आए ना, उन सबको चक्कर में डाल दिया हूँ। साले वेर से चक्कर ले रहे थे, आज 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 10 लाख चाहिए इनको। साले लटके रहो, रास्ता साफ हो गया ना बेटा। वीरू भाई जिंदाबाद। Oh!
स्लैपस्टिक है। 10 लाख गए। पीछे नहीं, आगे जाना है। अब देखो, ये शॉर्टकट मार के है। ये कौन सा कट मारा बेटा? Thank you.
वेलकम अ न्यू एडमिशन बाबू। हमारे स्कूल के बच्चों ने जो प्यार का सबक हम बड़ों को सिखाया है, यह एडमिशन उनके लिए गिफ्ट है। और सिर्फ यही नहीं, इस स्कूल के दरवाजे उन बच्चों के लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं जो एक जबरदस्त हिम्मत और मजबूत जज्बे के साथ जीना चाहते हैं। आइए 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 मैं चाहता हूं कि आज के इस अवसर पर राजू कुछ कहे। प्लीज आइए सर, सम सुना था आइए आइए। नमस्ते। हम क्या बोलें, अब हमारे बच्चों ने बहुत मदद की और आप सब ने जो रिक्शा की रेस जीती हमने। अभी ये सीमा भी हमेशा बोलती रहती थी कि एडमिशन नहीं हुआ तो ट्रेन के नीचे कट के जान दे देंगी, अब तो तुम जान नहीं दोगी ना। लेकिन बच्चे हमेशा प्रिंसिपल साहब से सीख के रिक्शा में हमेशा बोलते थे, हमने भी याद किया है वो, कि यू कैन यू विल यू मस्ट बी विनर। ऐसे उड़ना है तुम्हें कैसा